Munazza, and you are watching Learn and Fun with Munazza. आज Microsoft Word Beginner Series class number 4 है. हमने अपनी last 3 classes में home का tab complete कर लिया था, जिसमें जितनी भी important चीजें थी जो कि हम commonly use करते हैं, मैंने आपको सब बता दी थी. ये Microsoft Beginner Series है. जब हम advanced में जाएंगे तो मैं आपको इसी से related small projects करके दिखाऊंगी, like हम CV किस तरह से create करते हैं, email signature वगैरह इस type की चीजें. आज की क्लास में हम इंसर्ट स्टार्ट करेंगे. इंसर्ट में हमारे पास ये कवर पेज का आता है, ब्लैंक पेज, ये पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट. आज की क्लास में हम ये सारा कवर करेंगे. कवर पेज में जब आप जाएं, ये एरो पॉइंटिंग डाउन को जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि जो हम अपनी मर्जी से चाहें कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक मैंने ये वाला सेलेक्ट किया. अब आप इस पर अपनी मर्जी के मुताबिक टाइप भी कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कवर पेज होता है और यहाँ से हमारे पास ब्लैंक, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाता है जो कि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी सिलेक्ट है. अब पर आप जब यहाँ पे देखें, जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये हमें और ब्लैंक पेजेस दे रहा है, ये देखें. और ब्रेक पेज भी यही काम करता है, हमें और पेजेस दे देगा. तो ये हमारे पास कवर पेज और ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है. उसके अलावा मेक कवर पेज फ्रॉम office.com, आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं. उसके अलावा आप लोग जो पेज कवर पेज सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से आके उसको रिमूव कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेबल. आप लोग टेबल अपनी मर्जी के मुताबिक इंसर्ट कर सकते हो. मैं इस पे ही सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मैं आई, ये देखें जितना मैं उधर जाती जाऊंगी उतना सेलेक्ट होता जाएगा. यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल को खुद से रोज और कॉलम दे सकते हैं. और ये मैंने अब क्लिक किया कि मेरे पास देखिए वो टेबल आ गया. मैं इस टेबल को यहाँ से आके सेलेक्ट करती हूँ. ये जो प्लस है, जब इस पे इस तरह का आएगा इसको क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा. और यहाँ से आके इसको आप लोग अपनी मर्जी का स्टाइल भी दे सकते हैं. पर मैं कंट्रोल जेड वापस जाती हूँ और जैसा पहले था उसी पे ले आती हूँ. अब मैं वापस इंसर्ट पे गई. ये तो मतलब एक जो वहाँ पे इन्होंने दिए होते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया की रोज और कॉलम दी होती हैं, पर आपने अगर इस लिमिट से ज़्यादा यानी 10x8 से ज़्यादा का अगर आपको टेबल चाहिए तो तब आप क्या करेंगे, आप दो काम कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल. अब मैं लेट्स सपोज मुझे चाहिए 20 कॉलम चाहिए और 15 रोज चाहिए, जितनी भी चाहिए होंगी आप यहाँ से लिख सकते हो. यहाँ से भी आप लोग जाके ये नीचे वाले से नंबर कम कर सकते हो, ऊपर जाके नंबर ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं जितना बनाना चाहिए. और यहाँ से फिर मैं ओके किया, ये देखें उसके मुताबिक टेबल बन गया. और अब आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं लाइक नेम. तो ये आप देखें आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो उसके मुताबिक खुद ही स्पेस खुद ही क्रिएट करता जाएगा. आप इस तरह से चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये जब इस तरह से आता है उसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं टेबल में. लाइक इधर नेम आ गए, मार्क्स आ गए वगैरह, जो भी आप लोग लिखना चाहें यहाँ पे. लाइक अली है, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इधर से आप लोग उनको स्टाइल दे सकते हैं. यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे आके हम उसको शेड्स भी दे सकते हैं, ये देखें. अभी मैं अप्लाई नहीं करी, जस्ट कर्सर मूव कर रही हूँ, पर जब क्लिक करूँगी वो अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, ये हमारे पास इंसर्ट टेबल का हो गया. उसी तरह ये पिक्चर है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर्स पड़ी होंगी उन्हें ले आएगा. लाइक मैंने इसको ओके किया एंड देन इंसर्ट, तो वो वाली पिक्चर हमारे पास आ गई. वो मेरा टेबल सेलेक्ट था तो वो उसी में इंसर्ट हो गई है. पर मैं इसको लेट्स सपोज यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो अब मैं इंसर्ट पिक्चर, इस तरह से पिक्चर आ गई. आप लोग उसके साइज को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से. और इसको भी आप लोग अलाइनमेंट दे सकते हैं, अलाइनमेंट का मैंने आपको बताया था. गई
not justify भी कर सकते। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, फिर से इंसर्ट पे जाती हूँ। अब ये क्या है, ऑनलाइन पिक्चर। इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग नेट से पिक्चर्स चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस टेबल को रिमूव कर देती हूँ फिलहाल। अच्छा, उसके अलावा ये शेप्स हैं, ये शेप्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, आप लोगों ने कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाना हो, असाइनमेंट्स वगैरह हो, उनमें इन शेप का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ से आके आप लोग इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैंक चाहिए अंदर से, तो मैंने ब्लैंक कर दिया। अब मैं एक वैसे ही आपको कोई सिंपल सी शेप बना के दिखा रहा हूँ। लाइक ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये आगे जा रही है, एरो मैंने दिया, आप चाहें तो इनके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट, मैंने इसे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आके अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ। लाइक लर्न एंड फन विद मी और अब ये मैं इसके साइज को मेंटेन कर सकती हूँ। और आप लोग चाहें तो इनमें भी इसी तरह से शेड्स अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया मैंने, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी आप उसी तरह से टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको भी बोल्ड कर दिया। अब मैं वापस इंसर्ट पे आई तो ये मेरे पास स्मार्ट आर्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बड़ा मज़े का ऑप्शन है। आप लोगों को अक्सर असाइनमेंट्स मिलती हैं जिसमें आप लोगों को होता है ना ड्रामेटिकली व्यू आपने देना होता है। लाइक आप लोगों ने अभी मैं जिस तरह साइकिल पे आ गई, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब मैं अगर कोई एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जिस तरह कि मैंने रोज की लाइफ साइकिल बतानी है, तो इसमें उसका स्टेप वन क्या होगा, टू क्या होगा, थ्री क्या होगा, ये देखें। इसमें तो उन्होंने खुला ऑप्शन दिया भी कि आप लोग देखें, इनके टेक्स्ट के साइज को भी आप लोग अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। इस तरह से आप लोग इनमें भी कलर्स भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कलर का ऑप्शन आ रही है, देखिए, ब्लैंक भी कर सकते हैं। इसको भी मैं कंट्रोल ए और ब्लैंक स्पेस दबा के इसी तरह से स्मार्ट आर्ट में ये मैंने साइकिल का लिया था, लिस्ट वाली फॉर्म में भी आपके पास आ गया डेटा। अब लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। ये तो अब मतलब ऑनलाइन बता रहे हैं, मैं वर्क ऑफलाइन करूँगी तो आपके सिस्टम में जो है वो इधर भी इसी तरह से आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट लिखें। अब मैं फिर से इंसर्ट में गई चार्ट्स, जिस तरह पाए चार्ट नहीं होता, ये लाइन पाए बार। अब ये जिस तरह कि हम टेबल बनाते हैं, रिजल्ट हमारे पास होता है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि किस स्टूडेंट का कंपैरिजन होता है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे लाइन आ गई, बल्कि मैं आपको ये कॉलम वाला ही करूँगी। तो ये इन्होंने एक कुछ बाय डिफॉल्ट सा टेबल बना हुआ है, इन्होंने वो ही मेरे सामने अपीयर कर दिया। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं नाम दे देती हूँ, ये अली हो गया, हसन हो गया, और ये ठीक है। अब ये इनके मार्क्स हैं तो ये आप कि ये देखिए नीचे भी आ गए वही नेम्स आ गए। अब ये कैटेगरीज को भी चाहें आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम दे दें, लाइक उर्दू, इंग्लिश, मैथ, या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आप बदल दें। और यहाँ पे आप अब ये देखिए मैं मार्क्स जब इसके करूँगी ना ज़्यादा, अब ये जिसना 4.3 है, मैं अगर इसको ये कैटेगरी वन में मैं अली को कर रही हूँ, और अली का ये देखिए कलर इन्होंने ब्लू दिया हुआ है, हसन को इन्होंने ऑरेंज दिया हुआ है, और हुसैन को ग्रे दिया हुआ है। अब ये कैटेगरी वन इसमें मैं अप्लाई करने लगी हूँ, वैसे भी सबसे ज़्यादा जो थे इसी के थे। अब मैं इसको 14 पे अगर कर दूँ तो ये आपको और बड़ा हुआ हुआ ये देखिए और बड़ा हुआ आपको
यहाँ पे मैं इसको जरा ट्वेल्व कर लूँ, तो ये देखिए कैसे एकदम खड़ा हो गया। तो ये इस तरह के मीन कि आपका कोई टेबल क्रिएट हुआ हुआ हो, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आके भी मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जितने भी चाहें आप लोग यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और कोई नेम दे देती हूँ, लाइक ए एवन दे दी, और ये देखें आ गया हमारे पास, खुद ही आ गया नीचे। मतलब वो उसको बाय डिफॉल्ट कलर भी दे देता है, आप लोग यहाँ से जाके उनको भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको भी ज़रा मार्क्स दे देती हूँ, लाइक 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 4 आ गया। तो देखें वो खुद ही हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रिएट होता गया और सब में आ गया हमारे पास, 3 से वो 4 हो गया। तो ये इस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे, ये बड़ी अच्छी अपीयरेंस देता है। और आप लोग इनमें भी चाहें तो अच्छे से अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से स्टाइल्स दे सकते हैं। ये देखिए, अब मैं वापस इंसर्ट पे आई, आपको होप्सो चार्ट्स की भी समझ आ गई होगी। अब ये स्क्रीनशॉट आपको पता है क्या होता है जो कि हम लेते हैं। अब मैं इधर आ जाती हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से अब इसको क्लिक किया, ये देखिए अब खुद ही उस टाइप के मेरे पास आ गई है। मैंने सेलेक्ट किया वो खुद ही उस पर आ जाएगा स्क्रीनशॉट, एक जो भी आप लोग, आप लोग इसको भी यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें किस तक वो नीचे ब्लर सी एक लुक दे रहा है। ये डिज़ाइन वाली चीज़ खुद ही ये फॉर्मेट्स इसके अपीयर फिर हो जाएंगे जब अप्लाई करते हैं ना, वो चीज़ वो खुद ही होती है। तो वो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं, मैं सर्कल में भी कर सकते हैं, या आप लोग जो पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना उसको भी आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये आज इंसर्ट में हमने पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। होप सो आपको आजकल की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर लाजमी कीजिए।